हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लोर रशिया विद डॉक्टर्स क्यूरी सीरीज़ के थर्ड पार्ट में। और जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस सीरीज़ में हम रशिया की सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। सारी तो पॉसिबल नहीं है, बट जो मेन मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, अराउंड 30 to 35 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इस सीरीज़ में हम सारी यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे और आपको एक ऑथेंटिक और रियल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस सीरीज़ के थर्ड पार्ट में हम आए हैं उफा सिटी में, जहाँ पे है बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आप मेरे पीछे यूनिवर्सिटी ये देख रहे होंगे, ये आपने फोटोज़ में वीडियोज़ में बहुत देखी होगी, ये बशकीर स्टेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी का जो फोटोज़ आप देखते हो गूगल पे या वीडियोज़ में, आप बहुत सारे कंसल्टेंट यही चीज़ दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि ये बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, ये है बशकीर स्टेट यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स का कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स की क्लासेस होती है और जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो यहाँ से अराउंड 800 मीटर्स दूरी पे है, और दूसरी यूनिवर्सिटी है वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ताकि आपका जो कीमती समय है वो वेस्ट ना हो और आप स्किप करके देख सके। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कंप्लीट वीडियो देखें, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और आपको जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि दिस इज नॉट द बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि आपको वहां पे इंडिया में फोटोज में, गूगल फोटोज में या कंसल्टेंट्स जो द्वारा जो दिखाई जाती है, यही यूनिवर्सिटी का फोटो आपको दिखा के बोला जाता है कि ये बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। गाइज, ये बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है। जो मेन यूनिवर्सिटी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स गो। सो इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो अबाउट उफा सिटी एंड इजी एक्सेसिबल रूट। Then we will discuss about the university, its education quality, its recognition, university infrastructure and university associated hospitals and clinics, and we will talk about the hostels also. Then we will talk about the total number of students studying in Bashkir State Medical University, is mess facility available there. Most importantly, we will discuss about the FMG passing ratio, कि FMG passing ratio कितना है Bashkir State Medical University का, जिससे हम एक education quality को judge कर सकें। Then we will discuss about the university fees and total budget आपका क्या रहने वाला है अगर आप Bashkir State Medical University में admission लेते हैं तो। उसके बाद हम बात करेंगे advantages क्या हैं Bashkir State Medical University के, disadvantages क्या हैं Bashkir State मेडिकल यूनिवर्सिटी के। एट लास्ट मैं अपना आपको एक कंक्लूजन दूंगा कि मेरा क्या ओपिनियन है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, कि आपको ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, स्टूडेंट्स के क्या रिव्यू हैं बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, और बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, अभी मैं खड़ा हूँ बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर, और आप देख रहे हो ये है मेरे पीछे बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। एक्चुअल में जो रियल बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वो है ये, जो आपको इंडिया में दिखाया जाता है फोटोज़ में, गूगल्स पे या कंसल्टेंट आपको दिखाते हैं वीडियोज़ में, वो बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है। तो गाइज़, इसीलिए हमने ये जो एक्सप्लोर रशिया विद डॉक्टर्स क्यूरी है ये सीरीज़ हमने इसीलिए स्टार्ट की थी, एक स्टूडेंट्स के पास एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जाए, बिकॉज इंडिया में कंसल्टेंट्स कभी यहाँ पे विजिट किए नहीं हैं, कभी उन्होंने देखी नहीं है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आके, और कुछ भी वो यूनिवर्सिटी को किसी भी यूनिवर्सिटी का फोटो उठा के उसको बताते रहते हैं, उनके पास एक एक्चुअल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। और स्टूडेंट्स के पास ये मिस इन्फॉर्मेशन ना जाए, मिस गाइड ना हो स्टूडेंट्स, इसीलिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी, कि आपको एक ऑथेंटिक और रियल इन्फॉर्मेशन दे सके, जो ग्राउंड रियलिटी है यहाँ पे वो आपको बता सके। तो चलो बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो मॉस्को से उफा का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस वहाँ पे आपको मिलेगा। अगर हम इंडिया से इसकी बात करें तो आपको 12 से 15 घंटे का टाइम लगेगा। पहले 6 घंटे की फ़्लाइट आपकी दिल्ली से मॉस्को की रहेगी, और मॉस्को में लेओवर होने के बाद उसके बाद 2 से 2.5 घंटे की फ़्लाइट जो होगी वो आपकी मॉस्को टू उफा होगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पे अवेलेबल है, ट्रेन के थ्रू भी आप जा सकते हैं। बाय ट्रेन अगर आप जाते हैं तो 10 से 12 घंटे का आपको टाइम लगेगा, और बाय बस जाते हैं तो भी आपको लगभग इतना ही टाइम आपको लगने वाला है।
हम अगर बात करें यूनिवर्सिटी के बारे में, तो यूनिवर्सिटी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1932 में हुआ था, एंड इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे मोर देन 10 ईयर से ग्रेजुएट होते आ रहे हैं, यानी कि काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी और बहुत सालों से इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ से ग्रेजुएट होते आ रहे हैं। अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें, यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें, तो मोर देन 2000 स्टूडेंट्स यहाँ पे करंटली पढ़ रहे हैं, अपनी जो पढ़ाई MBBS की वो यहाँ पे कर रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में अगर हम पर्टिकुलरली बात करें। तो अगर हम यूनिवर्सिटी के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें, तो ये आपको कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम आपको मिलने वाली है। हालांकि 2021 से इन्होंने कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम किया है, जब से NMC की गाइडलाइन आई है, उससे पहले बाइलिंगुअल हुआ करती थी। उसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिटी की, तो एजुकेशन क्वालिटी इज़ गुड, या कह सकते हैं थी, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा एजुकेशन क्वालिटी के बारे में कि आपको यूनिवर्सिटी में कैसी एजुकेशन आपको मिलने वाली है। अगर हम उसके बाद हम बात करें रिकॉग्निशन की, तो रिकॉग्नाइज्ड है ये यूनिवर्सिटी, NMC से रिकॉग्नाइज्ड है, ECFMG से रिकॉग्नाइज्ड है, GMC से रिकॉग्नाइज्ड है। अगर हम USA UK जाना चाह रहे हैं तो आप इजीली जा सकते हैं, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। अगर हम बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो वो आपको काफ़ी अच्छा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स वहाँ पे एसोसिएटेड हैं। डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन आपको देखने को मिलेगा, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, प्रिवेंटिव मेडिसिन, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, नर्सिंग एटसेट्रा, बहुत सारे सेपरेट डिपार्टमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कि बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक प्रॉपर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसलिए यहाँ पे जितने भी कोर्सेज होते हैं वो सारे मेडिकल से रिलेटेड होते हैं, लाइक पीडियाट्रिक्स, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, जनरल मेडिसिन एटसेट्रा। तो कैंपस से रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलने वाली है। अगर हम सिटी के बारे में बात करें, तो सिटी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी सिटी है, काफ़ी बड़ी सिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल्स के बारे में हम बात करें, तो यहाँ पे आपको 7 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल हैं, लाइक ऑर्थोपेडिक्स का हॉस्पिटल आपको देखने को मिलेगा, गायनेकोलॉजी हॉस्पिटल आपको देखने को मिलेगा, पीडियाट्रिक्स, इन्फेक्शियस डिसीज़, रेडियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी एटसेट्रा, ऐसे डिपार्टमेंट वाइज आपको वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस होने वाली है वो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्लिनिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेंगी। पेशेंट जो का जो फ्लो है वहाँ पे काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सिटी बहुत बड़ी सिटी है, और जो पेशेंट्स का जो आउटफ्लो वहाँ पे आपको मिलने वाला है काफ़ी बेहतरीन आपको मिलने वाला है। अगर हम FMG पासिंग रेशियो के बारे में अगर हम बात करें, तो बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का FMG पासिंग रेशियो जो है वो 30-35% रहता है हर साल, अगर हम ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करें तो। तो इसका मतलब एजुकेशन क्वालिटी वहाँ पे जो अभी तक चल रही थी काफ़ी बेहतरीन एजुकेशन क्वालिटी आपको वहाँ पे मिलती थी, बट आगे क्या होने वाला है उसका अभी कुछ कह नहीं सकते। अब बात करते हैं हॉस्टल्स के बारे में, बिकॉज स्टूडेंट्स का यही सबसे ज़्यादा कंसर्न टॉपिक होता है कि हॉस्टल्स वहाँ पे हमें कैसे मिलने वाले हैं, 2-सीटर मिलने वाले हैं, 3-सीटर मिलने वाले हैं, हॉस्टल्स कहीं ज़्यादा दूर तो नहीं या पास में है, कितना हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, कितनी डिस्टेंस पे है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी के पास टोटल 3 से 4 हॉस्टल्स हैं जो गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं, और यहाँ पे आपको 2 तरीके के हॉस्टल आपको देखने को मिलेंगे। कुछ हॉस्टल्स हैं जो यूनिवर्सिटी के पास में ही है, जिनका डिस्टेंस 10 से 15 मिनट का ही है अगर आप बाय वॉक जाते हैं। कुछ हॉस्टल्स वहाँ से आप काफ़ी दूरी पर मिलेंगे, यूनिवर्सिटी से जो डिस्टेंस है उनका काफ़ी दूर है, वहाँ से आपको बाय बस ट्रैवल करना पड़ेगा, लगभग 40 से 45 मिनट का आपका टाइम उसमें जाने वाला है। और हॉस्टल्स के बारे में बात करूँ, तो जो गवर्नमेंट हॉस्टल है, जो पास में हॉस्टल्स हैं, उनकी फीस जो लगभग रहती है 10 से 12 हज़ार रूबल पर ईयर आपकी फीस रहने वाली है, और जो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं, जो थोड़ी दूरी पे हॉस्टल्स हैं, उनकी फीस जो आपकी रहने वाली है वो लगभग 30 से 40-45 हज़ार रूबल्स आपकी रहने वाली है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका ध्यान देना, कि जो गवर्नमेंट हॉस्टल हैं उनमें चांसेस बहुत कम है कि आपको वहाँ पे हॉस्टल में सीट मिले, बिकॉज वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी के जो गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं उनमें इतनी सीट्स अवेलेबल नहीं होती हैं। और जो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं वहाँ पे आपको चांसेस है कि वहीं पे आपको हॉस्टल में वहीं जाना पड़े, वहीं आपको रहना पड़े, और वो यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूरी पे होते हैं। अगर हम हॉस्टल में मेस फैसिलिटी की बात करें, तो मेस फैसिलिटी वहाँ पे आपको मिल जाएगी, रिसेंटली वहाँ पे मेस ओपन हुई है, इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको उफा सिटी में मिल जाएंगे, इसका कोई इशू नहीं है, इंडियन खाने से रिलेटेड आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बजट, कि आपका वहाँ पे बजट कितना रहने वाला है अगर आप बस्किर स्टेट मेडिकल
मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जाने वाले हैं तो जो आपकी वहाँ पे ट्यूशन फीस रहने वाली है वो 2,94,000 रुबल पर ईयर आपकी रहने वाली है। हॉस्टल फीस के बारे में अगर हम बात करें तो 10,000 से 12,000 रुबल पर ईयर अगर आपका गवर्नमेंट हॉस्टल में आपको सीट मिल जाती है तो, अदरवाइज जो रिनोवेटेड हैं या प्राइवेट हॉस्टल्स हैं उनकी 30,000 से 45,000 रुबल पर ईयर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो एक्सपेंस होता है वो मेडिकल इंश्योरेंस मेडिकल चेकअप का होता है जो 15,000 से 20,000 रुबल पर ईयर आपका वहाँ पे एक्सपेंस मिलेगा। अगर हम टोटल पर ईयर की बात करें तो यहाँ पे 3,20,000 से लेकर 3,60,000 रुबल तक आपका एक्सपेंस यहाँ पे आने वाला है डिपेंडिंग ऑन योर हॉस्टल। अगर हम टोटल बजट की बात करें तो टोटल बजट आपका जो रहने वाला है वो 30 से 35 लाख का आपका यहाँ पे बजट रहने वाला है इंक्लूडिंग योर ट्यूशन फीस हॉस्टल फीस मेडिकल इंश्योरेंस मेडिकल चेकअप योर ट्रैवलिंग एक्सपेंस योर फूड योर पर्सनल एक्सपेंस। टोटल ओवरऑल अगर हम सब कुछ कैलकुलेट करके बात करें तो 30 से 35 लाख का बजट आपका वहाँ पे रहने वाला है। तो गाइस ये देखा आपने इस यूनिवर्सिटी के बारे में जाना, एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपने देखी और अभी बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस के बारे में अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो आपको काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अगर हम यूनिवर्सिटी के फैकल्टी और स्टाफ की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है वो काफ़ी सपोर्टिव है और स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ जो हमने वहाँ पे जाने जो अभी तक वहाँ पे पढ़ रहे थे उन स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। FMG पासिंग रेशियो भी वहाँ का यूनिवर्सिटी का अभी तक काफ़ी अच्छा चलता आ रहा था। NMC गाइडलाइंस को फॉलो करता है, कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है, तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेजेस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोल्ड क्लाइमेट। जैसा आपने अभी वीडियो में देखा होगा कि वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था और जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर था यहाँ पे -32-35 डिग्री के करीब वहाँ पे टेम्परेचर था और इतनी ठंड थी कि बाहर निकलना वहाँ पे मुश्किल होता जा रहा था। उसके बाद अगर हम सेकंड डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वहाँ पे आपको दूसरा जो डिसएडवांटेज सबसे ज़्यादा मिलने वाला है वो है वहाँ पे जो लास्ट ईयर उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे लगभग 1200 स्टूडेंट्स को वहाँ पे एडमिशन ले लिया था और उसके बाद वहाँ पे मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एजुकेशन क्वालिटी के लिए। और आप यहाँ से सोच सकते हैं कि अगर 1200 स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो कोई भी फैकल्टी है उनको कैसे मैनेज करेगी। इससे पहले कि जो फैकल्टी 300 से 350 स्टूडेंट्स को मैनेज करती थी अभी उस फैकल्टी को लगभग 1200 स्टूडेंट्स को मैनेज करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ नई फैकल्टी उन्होंने अपॉइंट कर ली हो बट नई फैकल्टी अपॉइंट होगी तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको लैकनेस फील होगी एजुकेशन क्वालिटी की, क्योंकि जो एक्सपीरियंस टीचर हैं जिसके लिए बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जानी जाती है कि इतने सालों से इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, इसलिए अब वो नई फैकल्टी को वहाँ पे अपॉइंट करेंगे तो सेम वहाँ पे ये आपको डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। इसके बाद थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज यहाँ पे ये भी है कि बजट है जो यूनिवर्सिटी का वो काफ़ी ज़्यादा है। 32-35 लाख के बजट में आपको ये यूनिवर्सिटी पड़ेगी। इतने ही सेम बजट में आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं जो कि इससे ज़्यादा बेटर आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट द बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। नाउ हमेशा की तरह अब है कंक्लूजन टाइम कि मेरा क्या ओपिनियन है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसा कि मैंने हर एक वीडियोस में मैं आपको बताता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी से जो बातें होती हैं फैकल्टी से जो बातें होती हैं फिर उसके बाद जो स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ होते हैं उनको जानने के बाद मैं एक अपना ओपिनियन रखता हूँ। बिकॉज हर एक यूनिवर्सिटी को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ सारा कंपेरिजन करते हैं उसके बाद मैं एक अपना ओपिनियन देता हूँ स्टूडेंट्स को कि क्या आपको ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो गाइस बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में मेरा ओपिनियन है 50-50। अभी ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आप इसको एडमिशन लेना चाहते हैं इसमें कि नहीं, वो आप ले भी सकते हैं, नहीं भी लेना चाहते तो नहीं भी ले सकते। ना लेने का रीज़न मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ और लेने के रीज़न भी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको ये यूनिवर्सिटी आप क्यों सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन क्वालिटी अभी तक जो चल रही है वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। FMG पासिंग रेशियो अच्छा था अभी तक, अराउंड 30-35% FMG पासिंग रेशियो था, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जो ना लेने का जो रीज़न है वो ये है, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि गाइज लास्ट ईयर बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अराउंड मोर देन 1000 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया है फर्स्ट ईयर में। अभी इस साल जो 2022 में एडमिशन हुए हैं बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में वो मोर देन 1000 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है। यूनिवर्सिटी की जो कैपेसिटी अराउंड 300-350 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, तो आप समझ सकते हैं जहाँ पे 300-350 स्टूडेंट्स का एडमिशन होना चाहिए वहाँ पे अगर 1000 या 1100-1200 स्टूडेंट्स का अगर एडमिशन होगा तो कहीं ना कहीं एजुकेशन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को। वहाँ पे जो फैकल्टीज़ होंगी शायद इतनी इनफ फैकल्टी ना हो, बिकॉज आप समझ सकते हैं हर एक डिपार्टमेंट में यहाँ पे मान लो 15
फैकल्टीज़, 15 टीचर्स भी हैं हर एक डिपार्टमेंट में, तो भी 1000 स्टूडेंट्स को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करेंगे। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं ये बता रहा हूँ, अभी जो 2020 में जो एडमिशन 21 में जो एडमिशन हुए थे क्रीमिया में, मोर देन 900 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था, और वहाँ पे स्टूडेंट्स अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने बोला था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट रियल जो इन्फॉर्मेशन ये है, जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स अभी फेस कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के पास इनफ फैकल्टी नहीं है, उनके पास भी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं, या फिर कोई टीचर्स क्लासेस में आते नहीं हैं, ऑनलाइन क्लासेस में लिंक भेज देते हैं, यूट्यूब की वीडियोज़ का लिंक भेज देते हैं कि आप ये देख के पढ़ो। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको इस यूनिवर्सिटी में भी वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एडमिशन्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। दूसरा ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट ना करने का रीज़न ये भी है कि जो यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस, वो काफ़ी लेंथी है और काफ़ी, मतलब कह सकते हैं आप, एक हेक्टिक है। क्योंकि यहाँ पे जब एडमिशन बच्चा अप्लाई करता है एडमिशन के लिए, एडमिशन लेटर आने में टाइम लगता है, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होने में भी टाइम लगता है, उसके बाद फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी कभी बोलती है फ़ीस पे करो, कभी बोलती है इनविटेशन ऐसे ही दे देंगे, कुछ स्टूडेंट्स के साथ बोलती है कि भाई आप पहले फ़ीस पे करो तो ही इन्विटेशन लेटर हम देंगे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और एडमिशन प्रोसेस आते आते नवंबर का टाइम हो जाता है, और आप समझ सकते हो कि जब इंडिया में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए, तो उनको सब जल्दी जल्दी काम होना चाहिए, इतना वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं ये पैनिक सिचुएशन स्टूडेंट्स के मन में क्रिएट हो जाती है, कहीं मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स के मन में। तो गाइज इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है यहाँ का, बट फिर भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल रियलिटी थी वो मैंने आपको बता दी है। ये चीज़ें आपको सब लोग नहीं बताएंगे, जो लोग यहाँ पे एडमिशन्स करवाते हैं जिनको अपना प्रॉफिट हो रहा है, वो लोग आपको कभी भी रियलिटी नहीं बताने वाले, वो सब चीज़ें यही बोलेंगे कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो एक्चुअल रियलिटी है वो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू हेयर, कि वी हैव क्रिएटेड अ व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप एंड द टेलीग्राम चैनल। तो व्हाट्सएप पे कम्युनिटी ग्रुप है जो, और टेलीग्राम चैनल है, वो हमने क्रिएट किया है स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए, ताकि स्टूडेंट्स को एक इन्फॉर्मेशन है जो टाइम टू टाइम अपडेट होके मिलती रहे। बिकॉज बहुत बार होता है कि कई बार मैसेजेस का रिप्लाई मोर, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो इंक्वायरीज होती है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज आती है, तो सबको टाइम टू टाइम हम रेगुलर अपडेट्स ना दे पाए, हो सकता है कोई स्टूडेंट्स मिस हो जाता है उसमें, तो इसलिए हमने ग्रुप बनाया। आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कीजिए एंड उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको रेगुलर अप टू डेट सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, यूनिवर्सिटी में कोई चेंजेस आते हैं, रूल्स में कोई चेंजेस आते हैं वो मिल जाएंगे आपको, और मिनिस्ट्री के लेवल पे कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आपको मिलेगी, एनएमसी गाइडलाइंस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट उसमें, रेगुलर डे टू डे अपडेट उसमें ग्रुप में आपको मिलती रहेंगी। तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे। We know the journey of becoming a doctor can be difficult, and that's why we are here to help you. We are the team of doctors guiding the future doctors through our videos. Doctors Query is the official study partner which aims to give services to students at their best. The services we offer are irreplaceable at one of a kind. From consultation to reaching the universities, we as a team make our students comfortable at every step. We put in efforts and help students to achieve their dream of studying in foreign universities. It's our responsibility to take good care of them like a family and cover them up in all aspects like studies, accommodation, food and support on the campus. And our testimonials say it all that we do an excellent job. Just contact us and leave the rest on us. We will never let you down. Doctors Query will always be there for you. Don't forget to subscribe our channel and welcome to Dr. Square.